नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वायरलपुर में। आज मैं आपको बताऊँ कैसे आप एक्सप्लेन करने वाली एजुकेशनल वीडियो बना सकते हो अपने मोबाइल से, या फिर क्रेजी जीके ट्रिक जैसा आप वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वीडियो बनाने के लिए आपको इमेज वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल सर्च में आएंगे। सर्च में आने के बाद जो आप वीडियो बना रहे हो, जैसे मैप चाहिए तो आप मैप सर्च कर लोगे, जो भी चीज़ चाहिए आपको वीडियो में तो उस चीज़ को सर्च कर लोगे। उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सर्च तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ताकि कॉपीराइट ना आए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे सर्च करना हो मैप, यहाँ पर आपको मैप सर्च करना, मान लीजिए मैप ऑफ दिल्ली कर देता हूँ या फिर मैप ऑफ इंडिया कर देता हूँ। अगर मेरे को इंडिया का मैप सर्च करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इमेज लिखा आएगा, तो इमेज पर मैं क्लिक कर दूंगा। इमेज पे क्लिक करने बाद देखिए यहाँ पे आपको इमेज वगैरह आ जाएंगी इतनी सारी, लेकिन इनको आपको डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड करोगे तो आपको कॉपीराइट वगैरह आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लेबल्ड फॉर रीयूज इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद देखिए इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कई बार यहाँ से भी कॉपीराइट का इशू आ जाता है। लेकिन आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए ये मैप चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने बाद विजिट साइट लिखा आएगा, आपको सिंपली क्या करना है, विजिट साइट पे जाओगे। वहाँ पे अगर लिखा होगा कि आप यूज कर सकते हो, कमर्शियल यूज़ के लिए अलाउड है, तो ही डाउनलोड करना है, वरना मत करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी यूज़ करते हो तो ऐसे करके आपको डाउनलोड करना है, या फिर ऐसे करोगे आप और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। अब इतना आपने कर लिया, जैसे मान लीजिए दिल्ली का मैप चाहिए, इंडिया का चाहिए तो मैप का फोटो ले लिया। किसी पॉलिटिशियन का चाहिए तो आप जनरली आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से लोगे तो कोई कॉपीराइट नहीं आता अगर इंस्टाग्राम से लोगे तो, या फिर ट्विटर से भी उनका मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप ले करके किसी पॉलिटिशियन वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अब चलिए इतना आपने कर लिया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आओगे, अब यहाँ से दो तीन चीज़ों का याद रखना है कि सबसे पहले बहुत से लोग पूछते हैं कि वीडियो बनाते हो तो रिकॉर्ड कैसे करते हो, तो रिकॉर्ड किया जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो इस वीडियो में तो ये नहीं बताऊँ कैसे रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपको खुद ही कई वीडियो मैंने बना रखा है, उसका आई बटन पे क्लिक दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिए कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो बता देता हूँ कौन सा ऐप से आप रिकॉर्ड करोगे, तो HD स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर एक्स रिकॉर्डर लिख के सर्च कर देना है यूट्यूब इस पे प्ले स्टोर पे, और इसको डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। जो भी वीडियो बनेगी उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हम एक्सप्लेन करने वाली है वीडियो आखिर बनाएं कैसे, कैसे बनाई जाती है मोबाइल से, तो उसके लिए कौन सा ऐप चाहिए। तो उसके लिए आपको सीधा चाहिए MS का PPT आपको चाहिए, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। MS वर्ड का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से ये सब आएगा तो क्लोज कर देंगे। आप पहली बार ओपन करोगे तो अगर साइन इन करने को बोले तो आप साइन इन कर सकते हो, आपके पास जो भी ईमेल आईडी है उससे आप साइन इन करने जाओगे, साइन इन कर दो। अगर नहीं कर रखा है तो साइन अप कर दो। साइन अप कैसे करते हैं आपको पता ही है, फेसबुक कैसे अकाउंट बनाते हैं। आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, आपके ईमेल एड्रेस पे कोड आएगा, उसको कोड डाल दोगे तो साइन अप हो जाएगा, फ्री में आप इसको यूज़ कर पाओगे। अगर नहीं करना है वैसे तो वहाँ पर साइन अप करने को कहे तो बैक रीसेट का बटन आएगा, बैक का तो बैक कर सकते हो, क्लोज का बटन आया तो क्लोज कर सकते हो। अब इतना कुछ ऐसा आपका ओपन होकर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस के साइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो देखिए इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग स्टाइल मिल जाता है, इनमें से कोई से चूज करके आप इन स्टाइल से, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये वाला स्टाइल चाहिए तो इस स्टाइल में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ये वाला चाहिए तो ये वाला में भी कर सकते हो। तो चलिए हम ब्लैंक ले लेते हैं। ब्लैंक आप ले लोगे, ब्लैंक लेने के बाद देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर आप ब्लैंक ले लोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अब देखिए ये एक स्लाइड हो गया, हमें जितना क्वेश्चन चाहिए, अगर मान लीजिए हम 20 पावर पॉइंट बनाना चाहते, 20 स्लाइड बनाना चाहते तो 20 हम ले लेंगे, 25 चाहिए तो 25। तो आपको देखना है कितना पेज लेना है, तो पेज लेने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। इस प्लस के साइन पे चले हुए क्लिक करेगा तो एक और आ गया, ऐसे ही आप क्लिक करते जाओगे तो आप आता जाएगा 2 3 4 5 6, जितना चाहिए आप ले लीजिएगा। अब लेने के बाद देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब देखिए ये वाला हमारा पहला है तो हम पहले पे क्लिक कर देंगे, और इस पर हम टैप करेंगे एक बार तो देखिए डिलीट का बटन आ जाता है, तो डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे। इस पर भी एक बार टैप करते हैं तो डिलीट का बटन आएगा, इसको हम डिलीट कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, बिल्कुल कुछ ही नहीं रखेंगे। वैसे आप सबको डिलीट करके रख लीजिएगा। अब इतना आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है जो भी चीज़ें लिखना चाहते हो, पॉइंट लिखना चाहते हो वो पॉइंट यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे लिखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे होम पे लिखा आएगा, जो भी लिखा आएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अब यहाँ से देखिए इंसर्ट का बटन आएगा, तो आपको इंसर्ट पर जाना है।
इंसर्ट पे जाओगे तो नीचे लिखा आएगा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब जो भी पॉइंट लिखना हो तो पॉइंट लिख सकते हो आप। देखिए यहाँ पे पॉइंट कोई सिंबल लगाना हो, जैसे आपने देखा हो वो लगाते हैं कोई पॉइंट बताने के लिए, तो सिंबल भी लगा सकते हो, तो जो मर्जी आप लगा लेना। आप चलिए हमें क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताऊँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे बनाते हैं, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा। उसके बाद चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, टाइप करने बाद यहाँ से आप मैं कुछ लिख देता हूँ। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैंने लिख दिया, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैंने पहला पॉइंट लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया। अब लगाने बाद देखिए अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज करोगे, तो उसको करने के लिए फिर से इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे यहाँ पे देखिए जो भी लिखा है इस वाले पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे होम पे चले आएंगे, होम पे आओगे तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट का साइज लिखा है 18, यानी 18 जो भी है 18-20 जो भी हो, तो अपने हिसाब से देख लीजिए, 20 रखना है 24 रखना है तो अपने हिसाब से रख लीजिए। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर कलर करना चाहते हो तो फॉन्ट को इस पर आप क्लिक करोगे तो ये कलर हो जाएगा। जो भी कलर लेना हो तो यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट भी कर सकते हो, ग्रीन ब्लू जो भी आपको चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, तो जिस भी स्टाइल में चाहिए आप बना लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ फॉन्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। फिर से लिखने के लिए हम यहाँ से आएंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे बटन पे, यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट पे, फिर से आना है आपको, वही काम करना है, एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स आने का अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, चलिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे चलिए टाइप करेंगे, इस पे हम बैक करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे माइक का बटन है, माइक से मैं लिख दूंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अब देखिए हमने लिख दिया दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको जो भी लिखना हो लिख दीजिएगा, जहाँ भी इसको प्लेस करना हो प्लेस कर दीजिएगा। अब आपने यहाँ पे कर दिया, जहाँ मर्जी इसको कर देते हैं। अब इसको यहाँ से करके यहाँ से बड़ा कर लोगे, बड़ा करने में देखिए एक लाइन में कर दोगे। अब यहाँ से क्लिक करके यहाँ से वही काम करना है आपको, फॉन्ट का साइज चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें, आप इतना सारा कर लोगे। अब यहाँ से हमें मान लीजिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बारे में फ़ोटो लगाना है, अगर यही इंडिया के बारे में मैप में बता दे तो मैप का हम फोटो लगा ले, तो फोटो लगाने के लिए इसी बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसी पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर आ जाएंगे, इंसर्ट पर आ जाओगे आप तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है इंसर्ट पिक्चर्स, तो पिक्चर पे आ जाएंगे। यहाँ फोटोज लिखा है तो फोटो कर सकते हो, डायरेक्ट कैमरा से फोटो खींच सकते हो। यहाँ पे आ गए तो हमने फोटो खींच के रख रखी है, तो यहाँ से हम ले लेंगे, देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे। अगर यहाँ से क्रॉप करना चाहते हो तो इस वाले से क्रॉप कर सकते हो, उसके बाद यहाँ डन कर देंगे। डन कर दोगे तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब जहाँ देखिए छोटा बड़ा करना हो तो कर सकते हो, जहाँ भी रखना हो ड्रैग करके रख सकते हो। अब चलिए इसमें एनिमेशन कैसे लगाना, आप देखिए क्रेज़ जी के ट्रिक की तरह अगर आपको वीडियो बनानी है तो सबसे पहले आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, उसका नाम है पेन टैब। उसके बिना आप नहीं बना सकते, क्योंकि देखा होगा आपने मैप में अचानक से इसमें कलर हो जाता है, ये पार्ट कलर हो गया वो पार्ट कलर हो गया, तो उसको पेन टैब से पहले कलर करके रखना पड़ता है, फिर उसमें एनिमेशन लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान से दिमाग से निकाल दो, अगर उनके जैसा वीडियो बनाना है तो आपके पास एक पेन टैब तो होना ही चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। पेन टैब है तो आप कर सकते हो, जो प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए अगर इसको हमें एनिमेशन लगाना हो पहले पार्ट को, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने बाद देखिए यहाँ पे होम पे आ जाओगे, होम पे या जो भी लिखा है इस वाले पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एनिमेशन का बटन आएगा। अब हो सकता है किसी में एनिमेशन का ना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप एक बार एमएस वर्ड को डाउनलोड, पावर पॉइंट को डाउनलोड करके रखते हो, 2-3 महीने बाद अपने आप एनिमेशन आ जाता है। पहले मेरे में भी नहीं था, लेकिन अपने आप ये एनिमेशन का ऑप्शन आ चुका है, देख लेना कि आपके में है या नहीं। यहाँ पर एंट्रेंस लिखा हुआ, एंट्रेंस इफेक्ट या जो भी फेसिस लगाना हो तो लगा दीजिए, तो एंट्रेंस पर हमें क्लिक करना है। अब इतने सारे एनिमेशन मिल जाते हैं तो मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, फ्लाइन इन। अब देखिए इफेक्ट ऑप्शन का प्रॉपर्टी है, तो इस वाले पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं किधर से एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, इधर से, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से, तो मैं फ्रॉम लेफ्ट कर दूंगा, तो लेफ्ट से ये ऐसे आएगा। फिर उसके बाद मैं इस वाले पॉइंट को एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, एंट्रेंस इफेक्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद फ्लाई इन पे जाऊँगा, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इफेक्ट में फ्रॉम लेफ्ट कर दूंगा। वैसे ही अब अरविंद केजरीवाल पे मैं क्लिक करूँगा और इसके पे भी लगाना है, तो यहाँ पे चले जाऊँगा, एनिमेशन में आ जाऊँगा मैं। एनिमेशन में आने के बाद एंट्रेंस इफेक्ट लगाना है मेरे को, तो अब देखिए अपीयर का लगाना है तो अपीयर पर क्लिक कर दूँगा। अब यह हमारा हो चुका है, अब देखिए एक स्लाइड आपका बन चुका है। ऐसे ही आपको हर एक स्लाइड में बना लेना है, आप दूसरा स्लाइड तीसरा स्लाइड में आओगे, ऐसे क्वेश्चन लिख लेना है, जो भी पॉइंट लिखना है फोटो लगाना है लगा लोगे। अब देखिए हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, अब आने के बाद हमारा ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लेना है, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद यहाँ से देखिए मोबाइल का स्क्रीन रोटेशन होता है, इसे ऑन कर लोगे। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ से अब नेट का काम हो चुका है, नेट ऑफ कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस वाले बटन में प्ले का बटन होता है, यहाँ पे इसमें मैं क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे फुल स्क्रीन में कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऐसा आ चुका है,
अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा पॉइंट कुछ ऐसा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। फिर से एक बार क्लिक करूँगा तो अगला पॉइंट आ जाएगा। फिर से अगला एक बार क्लिक करूँगा, देखिए ऐसे ही आप क्लिक करोगे, जितनी बार आप क्लिक करोगे तो अगला पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे कर करके आप एक्सप्लेन करने वाली वीडियो बना सकते हो आसानी से, अपने मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मैं यहाँ पर कलर कर देता, उस कलर को भी मैं अगर एनिमेशन लगाता तो ये आने बाद अगला कलर इसके मुँह पर हो जाता। तो जो भी आप चाहो तो वो कर सकते हो। देखिए मैप होता है तो मैप में कलर करना हो तो ये पॉइंट है, ये दिल्ली का मैप है, यहाँ पर कलर करना हो फिर उसको एनिमेशन लगा सकते हो। ऐसे करके आप वीडियो बना सकते हो आसानी से अपने मोबाइल से एक्सप्लेन करने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।